हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा अगर आप लोग सीरियल मेडिएशन को एसपीएस में रन करना चाहते हैं। अब एसपीएस में बाय डिफॉल्ट सीरियल मेडिएशन को रन करने के लिए कोई कमांड मौजूद नहीं है। सब लोग जानते हैं अगर आपने सीरियल मेडिएशन को रन करना है तो उसके लिए हाइस्ट के प्रोसेस मॉडल जो है ना मोस्टली यूज किए जाते हैं। अब हाइस्ट के प्रोसेस मॉडल को रन करने के लिए एसपीएस में आपको सी कमांड चाहिए होगी, तो कमांड को इंस्टॉल करने का तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, प्रोसेस माइक्रो आपने इस पे क्लिक किया। तो जब आपने प्रोसेस माइक्रो पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि एक साइट को ओपन, एक साइट पूरी ओपन होगी। अब इस साइट पे ना यहाँ पे ऊपर टैब्स डिफरेंट आने लगे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले डाउनलोड की ऑप्शन है। इस पे आप टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे जो है ना वो डाउनलोड प्रोसेस 4.1। ये जैसे जैसे अपडेटेड वर्जन आते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये चेंज होते रहेंगे। पहले ये 3 था, 4.1 है, फिर 4.2 समथिंग ये आते जाएंगे। तो इस टाइम लेटेस्ट वो चल रहा है, वो ये चल रहा है। आप इस पे आप क्लिक कर देंगे तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब जब ये डाउनलोड हो गया, हो रहा है, बल्कि ये हो गया ठीक है, इंटरनेट की स्पीड भी काफी तेज है इस टाइम। तो अब मैं आपको ना जो ये जिप फाइल है ना जो ये डाउनलोड हुई है, आपने सबसे पहले ना इसको अनजिप करना है। तो जब आप इसको अनजिप करेंगे तो ये फाइल ओपन होगी। मैं एक मैं आपको वो भी फाइल दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। ये मैंने अब जिप फाइल ओपन करने लगा, तो आप जब जिप फाइल को ओपन करेंगे तो ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोसेस आर्ट के लिए भी है, एसएस के लिए भी है, एसपीएस के लिए भी। हमारा जो कि कंसर्न एसपीएस के साथ है, आप एसपीएस पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट आ गया, आपके पास फोल्डर और फाइल्स आ गए। इसे आपने कस्टम डायलॉग बॉक्स पे करेंगे और जो ये प्रोसेस डॉट एसपीडी है इसको कॉपी करेंगे आप। और कॉपी करने के बाद किसी भी फोल्डर में आप अपने जो आपकी ड्राइव यानी फोल्डर बने हुए हैं, आपकी जो ड्राइव्स हैं सी डी ई डाउनलोड, वहां पे ना आप इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब मैंने इसको पेस्ट किया और मैं अपने सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में, मैं आपको अब दिखाता हूँ, मैं अब आपको नेक्स्ट ना एसपीएस ओपन करके बताता हूँ कि मैंने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट एसपीएस ओपन कर रहा हूँ। तो आपने ना बेसिकली ये देखें, आपने एसपीएस को ओपन करने से पहले ना आपने ना एसपीएस को जब मेरे पास ना एसपीएस 20 है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपने इसको जब ओपन करना है ना तो राइट क्लिक करके रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। जब आप इसको इस तरह ओपन करेंगे तो फिर आपके पास ना एसपीएस की फाइल वो एसपीएस ओपन हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं एसपीएस जब आपके पास ओपन हो गया, अब आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो आपके पास ना क्योंकि ऊपर डिफरेंट टैब्स हैं, उसमें यूटिलिटीज पे आपने क्लिक करना है। यूटिलिटीज पे क्लिक करेंगे, कस्टम डायलॉग है, फिर कस्टम डायलॉग के बाद इंस्टॉल कस्टम डायलॉग पे आपने क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ना ये ऑप्शन आ के जो आपने फाइल कॉपी की थी वो कहाँ पे है। तो मैंने जो कॉपी फाइल की थी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कहाँ पे की थी। ये देखें, ये मैंने टीम पे गया और यहाँ पे आप देखें सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में यहाँ पे मैंने जो है ना यहाँ पे वो फाइल जो है ना प्रोसेस डॉट एसपीडी को पेस्ट किया था। आप इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो वो इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जब आप वो इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको चेक करने के लिए एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद आप देखेंगे रिग्रेशन में, तो आपके पास ना ये प्रोसेस जो है ना वो हाइस के वो जो आना स्टार्ट हो गया। तो फिर आप इसको क्या करेंगे, आप पहले अगर आप रिग्रेशन में देखेंगे तो यहाँ पे ये मौजूद नहीं होगा ठीक है, तो ये मौजूद नहीं होगा। तो आप इसको फिर मैं अपने अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रोसेस जो हाइस का मॉडल है सीरियल म्यूटेशन का वो भी आपको मैंने रन करना सिखाऊंगा कि वो कैसे रन करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो को देखा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत अपना फीडबैक आप मुझे जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।